Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tips. Good evening to all of you. आज का कि भाई जो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग हो, वो सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है, आज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस था कि भाई ये R4 R5 इधर साइड में चला गया है, बट अगर हम ऑप्शन प्राइसिंग का चार्ट लगाएंगे तो हमको यही ध्यान रखना है जब सारा EMA का लाइन VWAP के ऊपर हो तो उसी डायरेक्शन में हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है और होल्ड करना है। फ्राइडे का सेशन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस को छोड़ दीजिए, जब 250 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो उस टाइप के कंडीशन में। इन नॉर्मल आपको सेलिंग करना है तो इसी के ऊपर बेस्ड करिए सेलिंग। जब सारा EMA का लाइन VWAP के नीचे निकल जाए तब आप सेलिंग कीजिए, और जब तक सारा EMA का लाइन VWAP के ऊपर ना निकले तब तक होल्ड कीजिए, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, यही बेहतर रिजल्ट देने वाला है। तो जो भी ट्रेड करना है, जिनको इंट्राडे करना है, ऑप्शन में बाइंग या सेलिंग करना है, निर्णय इसी के ऊपर लीजिए कि सारा EMA का लाइन VWAP के ऊपर निकला आप कॉल बाई करेंगे, या जो भी कॉल या पुट जिसमें भी निकला है वो बाई करेंगे। अगर सेलर हैं तो ये ध्यान रखना है कि सारा EMA का लाइन नीचे आए आप सेलिंग करेंगे। और टारगेट लेवल के लिए आप देख लेना इंडेक्स में, जो भी इंडेक्स में निफ्टी का अगर चार्ट लगाते हैं तो R2 लेवल ऊपर की ओर रहेगा टारगेट नॉर्मल कंडीशन में। अभी कंडीशन थोड़ा सा ठीक है कि मार्केट में एकदम से क्रैश आया है, नॉर्मल कंडीशन में R2 लेवल रहेगा और नीचे S2 लेवल रहेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो इंट्राडे करने वालों के लिए इससे बेहतर सेटअप कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो इंट्राडे करना है, और जिनको अगर कॉम्बिनेशन में करना है तो जैसे मान लो टारगेट लग रहा है कि भाई ये मान लो निफ्टी 24,500 आने वाला है मान लो, तो आप 24,500 कॉल पुट दोनों सेल करके रख लो स्ट्रेडल बना के, कोई दिक्कत नहीं है, वो फेवरेबल ही रहेगा, है ना। एक में प्रॉफिट रहेगा एक में लॉस दिखेगा, बट आपका टारगेट लेवल पे ही अगर आप स्ट्रेडल बनाए हो तो वो कंफर्टेबल रहेगा, तो वो देख लेना, है ना। तो जिसको जो चीज़ सूट करता है वही करिए, जिसको इंट्राडे करना है बाई सेल करना है, बाई सेल करना है उसके लिए यही सेटअप यूज़ करिए। और आप कुछ दिन करेंगे ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वांटिटी कम करके करिए। अगर आप लोग को आप प्रॉफिटेबल हो आपका कॉन्फिडेंस है तब तो कोई इशू नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस का कमी है आप एक लॉट दो लॉट पे करिए। जो लोग नए हैं या जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है या जो प्रॉफिटेबल नहीं है, ज़्यादा लॉट ना बढ़ाएं, चाहे बायर हो या सेलर हो, है ना। लॉट बढ़ाएंगे तो फिर वो आपका वो कमांड आएगा ही नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत है कमांड आने का, कमांड नहीं आएगा। तो जो इंट्राडे करते हैं उनको यही करना है, ऑप्शन में अगर बाई करते हैं इंडेक्स में तो इंडेक्स में ऑप्शन बाई करने का यही सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। सारा EMA का लाइन ऊपर है तो कई बार क्या होता है ऊपर ब्रेक करता है फिर रिटेस्ट करके ऊपर आता है, उसके बाद बड़ा मुंह आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पे बाइंग किए हो प्रीवियस स्विंग लो जो भी है स्टॉप लॉस रखना है। कम क्वांटिटी रहेगा तो ये स्टॉप लॉस आप झेल पाओगे, अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो ये स्टॉप लॉस आप झेल ही नहीं पाओगे। तो क्वांटिटी सबसे बड़ा दुश्मन है इंट्राडे ट्रेडर का, कैपेसिटीज ज़्यादा अगर क्वांटिटी करेंगे आप इंट्राडे में टिक ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन इंट्राडे में क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी पे कंट्रोल कर लिया अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक लॉट दो लॉट करो, आपके पास 10 लाख है तो आप दो लॉट थोड़ी करोगे, 10 लॉट है तो कम से कम 10 लॉट करोगे, है ना। तो जिसका जितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही करना है। 1 लाख है तो आप 2 लॉट से ज़्यादा मत करिए। तो कई लोग क्या करता है गलती, जैसे मान लो उनके पास 1 लाख रुपया है तो मार्जिन लेने के लिए क्या करेगा, 1-2 रुपये वाला कॉल को या पुट को बाई कर लेगा दूर का, मार्जिन मिल रहा है बोल के। लेकिन भाई उसको संभालने लायक आपकी कैपेसिटी है कि नहीं वो तो करो, मार्जिन वो लोग ले अच्छा लगेगा जिसके पास कम से कम 3-4 लाख रुपया हो, जिसके पास एक ही लॉट का पैसा है वो मार्जिन लेगा तो कहाँ से टिकेगा, है ना। कई लोग मार्जिन लेते हैं ना कि 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में है तो मैं 1 रुपया या 2 रुपये वाला कॉल या पुट बाई कर लेता हूँ तो मुझे लिवरेज मिल जाएगा, अब उसमें मैं क्या 1 लॉट की जगह 4 लॉट सेल कर दूंगा, तो आपकी कैपेसिटी ही नहीं है 4 लॉट का, और 4 लॉट सेल करोगे तो उसमें टिकोगे कहाँ, है ना। तो वो गलती नहीं करना, जिसके पास मतलब कम से कम 3-4 लाख रुपया है वही लोग लिवरेज ले मार्जिन ले, ताकि उनका अगर थोड़ा बहुत विपरीत भी जाए तो वो सस्टेन कर ले या स्टॉप लॉस को प्रॉपर रख ले, है ना।
स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो, अगर आप बायर हो तो प्रीवियस स्विंग लो, अगर सेलर हो प्रीवियस स्विंग हाई, ये आपका डिसिप्लिन रखना है। भले उसके बीच में गैप ज़्यादा रहे, आपको करना है वो, तभी आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे एक कैंडल का, वो बार बार हिट करेगा और उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दोगे और बड़ा लॉस इसमें हो जाएगा। तो प्रीवियस स्विंग लो शुड बी योर स्टॉप लॉस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।